शरीर के बढ़ते वजन को लेकर अधिकतर लोग परेशान रहते हैं, जबकि कुछ आसन के माध्यम से पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है। ऐसा ही एक आसन है पादहस्तासन। तो आइए जानते हैं आज की इस कड़ी में कि पादहस्तासन योग करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को नीचे की ओर सीधा रखें और दृष्टि सामने की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, दोनों भुजाएं कान से लगा लें। अब श्वास छोड़ते हुए कमर की ओर से नीचे की तरफ झुकें। ध्यान रखें कि कमर का ऊपरी हिस्सा सीधा रखना है, सिर्फ कमर को ही मोड़ना है। इस स्थिति में आपका पेट जंघा से लगा होगा और छाती घुटने से। हमेशा याद रखें कि आसन अपनी क्षमता अनुसार ही करें, शरीर के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। आसन में 30 सेकंड तक बने रहें और फिर धीरे धीरे वापस पहले की अवस्था में आ जाएं। पादहस्तासन के फायदे। पादहस्तासन से पेट की मांसपेशियों की मालिश बहुत अच्छे से होती है, जिस कारण लगभग पेट की सभी समस्याएं दूर रहती हैं, जैसे कि अपच, कब्ज, मोटापा आदि। पादहस्तासन के नियमित अभ्यास से बच्चों की लंबाई बढ़ती है, क्योंकि अभ्यास करते समय जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव होता है। साथ ही में ये शरीर में संतुलन और लचीलेपन में सुधार करता है। पादहस्तासन का अभ्यास करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर ढंग से होता है। सावधानी, अगर निचली कमर में चोट हो, साइटिका की समस्या हो या मोतियाबिंद की समस्या हो तो ये आसन ना करें। यदि आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें।